हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जीके वर्ल्ड यूट्यूब चैनल। आज हम आपके लिए हैं एसएससी सीजीएल के प्रीवियस ईयर के पेपर। जैसा कि मैं आप हर वीडियो में आप देख रहा हूँ, मैं आपको बता रहा हूँ कि क्यों इंपॉर्टेंट है। तो आपको अगर जानकारी चाहिए कि प्रीवियस ईयर के हम पेपर क्यों डाल रहे हैं, तो आप हमारे प्रीवियस वीडियोज देखिए, आपको वहाँ पर पूरी बात समझ में आ जाएगी। तो चलिए आपको कराएंगे हम जीके जीएस के, जैसे कि 25 क्वेश्चन कराए थे, फटाफट पेन कॉपी आप उठा लीजिए और कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताइएगा कि इस 25 क्वेश्चन में से आपके कितने क्वेश्चन सही हुए हैं। साथ ही आपको करना क्या है कि आप इस यूट्यूब चैनल को तुरंत सब्सक्राइब करिए और बेल आइकॉन को हिट करिए, ताकि जैसे नेक्स्ट वीडियो आपको तुरंत पता चल जाए। साथ ही आप हमारा फेसबुक पेज भी फॉलो कर सकते हैं, ताकि आपको लेटेस्ट एग्जाम जो भी हो रहे हैं उसकी सारी अपडेट मिल जाए। अगर आपको पूरे वीडियो की पीडीएफ चाहिए, तो आप हमारा टेलीग्राम लिंक क्लिक करके ज्वाइन कर सकते हैं, जहां पे आपको ढेर सारे पीडीएफ फाइल फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएंगे। तो चलिए देखते हैं कौन सा पेपर है। ये आफ्टरनून शिफ्ट का पेपर है, 23/8/2021 का, जिस टाइम 12 से 1 PM वाला। तो चलिए पहला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, देखते हैं क्या है। आप भी शुरू हो जाइए हमारे साथ। एक ऐसी प्रक्रिया जिसमें अशुद्ध पानी को उबाला जाता है और भाप को एक अलग कंटेनर में एकत्र और संघनित किया जाता है, जिससे कई ठोस दूषित पदार्थ पीछे रह जाते हैं, उसको कहते क्या है? आसवन कहते हैं, अवसादन कहते हैं, छनाई कहते हैं, या डिकंटेशन कहते हैं। तो आसवन कहते हैं इसको, जिसमें अशुद्ध पानी को हटा के अलग कर लिया जाता है, ठीक है। शुद्ध पानी उससे बाहर भाप के थ्रू बाहर निकल आता है। निम्नलिखित में से कौन सा जनवरी 2021 में प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण, यानी कि डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर DBT जिसको बोलते हैं, के माध्यम से किसानों को बिजली सब्सिडी देने वाला पहला भारतीय राज्य बन गया? मध्य प्रदेश, सिक्किम, उत्तराखंड या मणिपुर? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका मध्य प्रदेश। पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गोरी ने लड़ाई लड़ी, ठीक है, कहाँ पे लड़ी थी? चौसा में, चंदेरी में, तराइन में या तालीकोटा में? तो हम सबको पता है कि तराइन का युद्ध हुआ था, और तराइन का दो युद्ध होता है, एक 1191 में जिसमें पृथ्वीराज जीता था, पृथ्वीराज, और ये पृथ्वीराज कौन थे? पृथ्वीराज थर्ड थे, जीते थे। और दूसरा हुआ था 1192 में, जिसमें मोहम्मद गोरी जीता था, और इसी के बाद सल्तनत काल की शुरुआत हो जाती है हमारे यहाँ पे। तो अगला प्रश्न देखते हैं, किस राज्य में दक्कन के पठार की सबसे ऊंची चोटी अनाईमुड़ी स्थित है? तमिलनाडु में, आंध्र प्रदेश में, कर्नाटक में या केरल में? तो कहाँ पे है? केरल में है अनाईमुड़ी चोटी। मैग्नीशियम का रासायनिक प्रतीक क्या है? MS, MA या MG? तो कैसे मैग्नीशियम को हम जानते हैं? तो मैग्नीशियम को जानते हैं हम MG के द्वारा। जब MG लिख दिया जाएगा तो उसका रासायनिक प्रतीक क्या हो जाएगा? मैग्नीशियम कहा जाएगा। आधुनिक आवर्त सारणी में क्षैतिज पक्तियों को कहा जाता है, जो क्षैतिज पक्तियां थे उनको क्या? पीरियड्स कहे जाते हैं, फैमिलीज कहे जाते हैं, या ग्रुप्स कहे जाते हैं, या क्लस्टर्स कहे जाते हैं। आवर्त सारणी से आप देख रहे होंगे बहुत सारे क्वेश्चन आ रहे हैं, ठीक है, बार बार आपको देखो आवर्त सारणी से क्वेश्चन मिलते जाते हैं, उसको ध्यान से समझना है। तो क्या होता है? पीरियड्स कहे जाते हैं उसको, क्षैतिज पंक्तियों में जो होते हैं। अर्थशास्त्र की कौन सी शाखा प्राकृतिक संसाधनों के भंडार और प्रदूषण की कमी से संबंधित है, जो तेजी से आर्थिक विकास का परिणाम है? क्या होती है? सार्वजनिक अर्थशास्त्र बोलते हैं, विकासात्मक अर्थशास्त्र बोलते हैं, पर्यावरण अर्थशास्त्र बोलते हैं, अंतर्राष्ट्रीय अर्थशास्त्र बोलते हैं। तो इसको थोड़ा सा दिमाग लगाओगे, प्राकृतिक संसाधन माने पर्यावरण, तो प्राकृतिक संसाधन पर्यावरण से ही होते हैं, तो पर्यावरण अर्थशास्त्र इसका आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन तबकाते नसीरी पुस्तक के लेखक हैं? जियाउद्दीन बरनी, अलबरूनी, अमीर खुसरो या मिनहाज उस सिराज? तो इसकी तबकाते नसीरी किसने लिखी थी? मिनहाज उस सिराज नामक लेखक ने लिखी थी। द इंग्लिश टीचर पुस्तक के लेखक की पहचान कीजिए, आरके नारायण ने लिखी थी, सलमान रुश्दी ने लिखी थी, खुशवंत सिंह ने लिखी थी या विक्रम सेठ ने? तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? आरके नारायण जी ने इस पुस्तक को लिखा था। इन्होंने ही मालगुड़ी डेज नामक एक बहुत पुराना आता था मालगुड़ी डेज, उसकी रचना की थी, और ये एग्जाम में पूछे गए मालगुड़ी डेज। राज्य सरकार की बर्खास्तगी और राज्य विधानसभा के निलंबन या भंग करने की सिफारिश करने की शक्ति किसके पास है? गवर्नर के पास है, प्रधानमंत्री के पास है, मुख्यमंत्री के पास है या विधानसभा के अध्यक्ष के पास है? तो हम सबको पता किसके पास होगी, ये शक्ति सिर्फ और सिर्फ गवर्नर के पास है, यानी कि जो वहाँ का गवर्नर होगा उस राज्य का। भारत के मानक मध्यान रेखा के रूप में किस देशांतर को चुना गया, जिससे हम अपना टाइम देखते हैं? 82° 30' 81° 30' 82° 32' ईस्ट या 82° 31' ईस्ट? सबके सब ईस्ट में है। क्यों ईस्ट में है? क्योंकि GMT यानी कि ग्रीन विच मीन टाइम कहाँ पे है? इंग्लैंड में है, और इंग्लैंड से भारत कहाँ?
पूर्व में पड़ता है, ईस्ट में पड़ता है। तो हमने किसको लेके रखा अपना देशांतर, 82 डिग्री 30 मिनट ईस्ट को लेके रखा है, जो कि रेखा कहाँ से गुजरती है, जिसकी रेखा नैनी प्रयागराज से गुजरती है। और ये ग्रीनविच मेन टाइम से कितना आगे कभी कभी पूछ लिया जाता है, तो प्लस 5:30 यानी कि 5.5 घंटा यह आगे है। निम्नलिखित व्यक्तियों में से किसे जनवरी 2021 में अंतर्राष्ट्रीय कपास सलाहकार समिति के मुख्य वैज्ञानिक के रूप में नियुक्त किया गया था, संध्या क्रांति, काई ह्यूजेस, केशव क्रांति या कैरोलिन टेको? तो केशव क्रांति को इसका सलाहकार नियुक्त किया गया है। और कपास हमने आपको बताया था, जैसे बहुत सारे वीडियोज में आप देख सकते हैं जाके, क्या बताया था कि सबसे पहले कपास का उत्पादन भारत में किया गया था। भारत में कहाँ किया गया था, सिंधु घाटी सभ्यता में, सबसे पहले पूरे विश्व में सिंधु घाटी सभ्यता में। निम्नलिखित में से किसने उपन्यास गोरा लिखा हुआ है, गोरा उपन्यास किसने लिखा है, रविंद्रनाथ टैगोर, महात्मा गांधी, अबिंद्रनाथ टैगोर या प्रेमचंद जी ने? तो इसको लिखा है गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर को, गुरुदेव की उपाधि मिली हुई थी, गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर। निम्नलिखित में से किस खेल में सेक हैंड ग्रिप का उपयोग किया जाता है, टेबल टेनिस में, क्रिकेट में, बैडमिंटन में या कुचल देना? किसमें होता है, टेबल टेनिस में इसको उपयोग किया जाता है। निम्नलिखित इतिहासकारों में से किसने रजिया के बारे में लिखा और पहचाना कि वह अपने सभी भाइयों की तुलना में अधिक सक्षम और योग्य थी, इब्न बतूता ने, अमीर खुसरो ने, मिनहाज सिराज ने या जियाउद्दीन बनी? तो देखिए रजिया सुल्तान से फिर से क्वेश्चन आ गया, अभी क्वेश्चन आया था, फिर से रिपीट हुआ क्वेश्चन अलग तरीके से। तो किसने जाना था इस बात को, किसने लिखा है, मिनहाज सिराज नामक लेखक ने इसका उल्लेख किया है। रजिया का टाइम पीरियड क्या है, 1236 से 1240। कम घनत्व वाली फेल्सिक चट्टानों जैसे को एंडसाइट और ग्रेनाइट से बने हैं, कौन से, महासागरीय पपड़ी के, महाद्वीपीय क्रस्ट के, आंतरिक कोर के या बाहरी कोर के? तो हम सबको मालूम है कि महाद्वीपीय क्रस्ट से एक कम घनत्व वाली फेल्सिक चट्टानें बनी होती हैं। महिला भक्त अंडाल भारत के किस हिस्से से संबंधित थे, पश्चिमी, उत्तर पूर्वी, उत्तरी या दक्षिणी? तो हम सबको मालूम है कि दक्षिणी भारत में इसकी शुरुआत हुई थी। दो संत हुआ करते थे, एक नैनार और एक अलवार। और नैनार के बारे में जैसा कि नयन आगे निकल के आ रहा है, तो त्रिनेत्र हैं किसके, शिव के, और नयन जानते हैं तो इस शिव से कनेक्ट कर सकते हैं। अलवार अभी शिव हो गए, तो ये विष्णु भक्त थे और ये बहुत सारे संतों में से एक भक्त महिला भी थी जिनका नाम अंडाल था। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस पर विश्व बैंक की वार्षिक रिपोर्ट के अनुसार डूइंग बिजनेस 2020 190 अर्थव्यवस्थाओं में व्यापार विनियमों की तुलना में भारत 190 देशों में कौन से स्थान पर है? ठीक है, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में कौन से स्थान पर, सीधा सीधा सवाल पूछ रहे हैं, 47वें, 63वें, 54वें या 78वें? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 63वें स्थान पर है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, यदि माध्यम के घटक तरंग प्रकाश की दिशा में लंबवत दोलन करते हैं तो हम तरंग को अनुदैर्ध्य तरंग कहते हैं, यदि माध्यम के घटक तरंग प्रसार की दिशा में दोलन करते हैं तो हम तरंग को अनुप्रस्थ तरंग कहते हैं, एक तरंग की आवृत्ति प्रति मिनट कंपन माध्यम में प्रत्येक घटक कण के दोलनों की संख्या है, समय के एक विशेष क्षण में एक ही चरण वाली तरंग में दो बिंदुओं के बीच की न्यूनतम दूरी को तरंग लंबाई कहा जाता है। तो इसमें से सही क्या होगा, इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन डी, समय के एक विशेष क्षण के एक चरण वाली तरंग में दो बिंदुओं के बीच की न्यूनतम दूरी को हम तरंग लंबाई कह देते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा वायरस के कारण होने वाली बीमारी है, एड्स होता है वायरस के कारण, प्लेग होता है, जीका होता है या इबोला होता है? तो क्या होता है, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, वायरस से होने वाली बीमारी नहीं है। तो प्लेग जो है वो वायरस से नहीं होता है, एड्स भी वायरस से होता है, जीका भी वायरस से होता है और इबोला से भी वायरस से होता है, प्लेग वायरस से होने वाली बीमारी नहीं है। निम्नलिखित में से कौन जनवरी 2021 तक किसी भी भारतीय राज्य के सबसे लंबे समय तक सेवा करने वाली महिला मुख्यमंत्री रही हैं, सुचेता कृपलानी जी, शीला दीक्षित जी, सईदा अनवर तैमूर जी या जयललिता जी? तो हम जानते हैं कौन थी, शीला दीक्षित जी कहाँ के, दिल्ली की मुख्यमंत्री रही हैं, तीन बार के तीन टर्म के दिल्ली की मुख्यमंत्री रही हैं। निम्नलिखित में से कौन अशोक के आदेशों को समझने वाला प्रथम विद्वान था, अलेक्जेंडर कनिंघम, जेम्स प्रिंसेप, बी गार्डन चाइल्ड या जेम्स टेलर? तो इसको जेम्स सिस्टम ने सबसे पहले इनके शिलालेखों को पढ़ा और उसका अनुवाद किया था। जनवरी 2018 में भारत सरकार और नीति आयोग ने 2020 तक मानव विकास सूचकांक के तहत
भारत की रैंकिंग में सुधार के दृष्टिकोण के साथ आकांक्षी जिलों का परिवर्तन पहल शुरू की। निम्नलिखित में से कौन सा कार्यक्रम के फोकस के मुख्य क्षेत्र में से एक नहीं है, पूछ रहे हैं। उद्योग और नवाचार, सेहत और पोषण, शिक्षा, कृषि और जल संसाधन। तो एकदम सिंपली दिख के आ रहा है कि उद्योग और नवाचार इसमें शामिल नहीं होगा। मानव विकास की जब बात आती है, सेहत और पोषण देखा जाता है, शिक्षा देखा जाता है, कृषि और जल संसाधन को देखा जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा शहर पुष्कर मेले के स्थान के सबसे करीब है, अमरावती, अजमेर, अहमदाबाद या प्रयागराज। तो हम सबको मालूम है अजमेर के आसपास लगता है पुष्कर मेला। निम्नलिखित में से किस देश में पहला हॉकी संघ बनाया गया था, ब्रिटेन में, स्पेन में, भारत में या अमेरिका में। कहाँ बना था? तो सबसे पहला हॉकी संघ ब्रिटेन में बना था। और 6 बार लगातार स्वर्ण पदक जीतने वाली कौन सी टीम है अगर देखा जाए विश्व की, तो भारत है। 6 बार लगातार जिसने भारत ने क्या जीता है, स्वर्ण पदक जीता था हॉकी में, और टोटल 8 जीत चुके हैं हम अभी तक। और आज हमारे आज के क्वेश्चन यही समाप्त होते हैं। आप हमें कमेंट सेक्शन में बताएं कि आपके कितने क्वेश्चन इसमें से सही हुए हैं। साथ ही तुरंत आप हमारा YouTube चैनल सब्सक्राइब करिए ताकि आपको नेक्स्ट वीडियो का तुरंत नोटिफिकेशन मिल जाए और आप दूसरों से एक कदम आगे और अपडेटेड रहें। साथ ही आप हमारा फेसबुक पेज भी फॉलो कर सकते हैं, और अगर आपको पूरे वीडियो की PDF फाइल चाहिए तो आप हमारा टेलीग्राम लिंक क्लिक करके ज्वाइन कर सकते हैं। आज के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।